नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और जानेंगे कि आज का वेदर अपडेट कैसा देखने को मिल रहा है, आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि अब हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी है, तो ठंड अब आने वाले दिनों में कैसे रहेगी जान लेते हैं। पहले मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश और फिर पहाड़ों पर जल्द शुरू हो गई बर्फबारी से इस बार ठंड भी अपना असर जल्द दिखाएगी। इससे न केवल दिल्ली NCR बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी का एहसास अगले एक सप्ताह में ही अपनी मजबूत पकड़ बना लेगा। 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान भी 4-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर की बात करें तो निम्न दबाव का क्षेत्र बनने, बादल छाने और हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी होने जैसी मौसमी गतिविधियां ही ज्यादा रही थी, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में महीने के तीसरे सप्ताह में ही बर्फबारी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश भी दर्ज की गई है। इससे मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी बताते हैं कि हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी चल रही है, इस हवा के साथ पहाड़ों की ठंडक सीधे आती है। इसके अलावा अभी 2-3 दिन के बीच बीच में बादल भी छा रहे थे, लेकिन मंगलवार से आसमान साफ हो जाएगा। इस सूरत में तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि ठिठुरन भरी ठंड के लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अलबत्ता पूरी बाजू के कपड़े पहनना अब मजबूरी हो जाएगा। सुबह शाम के समय बच्चे और बुजुर्ग गर्म कपड़ों में भी नजर आने लगे हैं, तो हैरत की बात नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी निश्चित तौर पर ठंड में इजाफा करेगी। तापमान में भी आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले एक सप्ताह तक कोई नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है। इस दौरान तापमान में लगातार गिरावट होगी और ये पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। ऐसे में ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। तो ये थे आज के मौसम का हाल की जानकारी। आशा करते हैं आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल अभी के लिए वेदर अपडेट में बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।